बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम अपने टॉपिक 4.1.2 को कंटिन्यू करेंगे, और हमने जहाँ पिछले वीडियो में इस टॉपिक को छोड़ा था वो हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। और उस पर हमने जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस की, पहली टाइप डिस्कस की थी, चीज़ नहीं कहना चाहिए मुझे, इसकी किस्म डिस्कस की थी, काइंड डिस्कस की थी, वो ये थी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसमें हमने कंडीशन बताई थी कि पहली कंडीशन ये थी कि एक टर्म हो या मल्टीपल टर्म्स हो, ठीक है ना, हमने कहा था। और दूसरी कंडीशन ये थी कि वेरिएबल क्या जो एक्सपोनेंट है ना, या जो पावर है, वो ज़ीरो या पॉजिटिव हो। अब दूसरी टाइप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की है, बाय द वे इसको कसीर रकमी कहते हैं, कसीर रकमी जुमले, जो दूसरी टाइप है वो नातिक जुमलों की है। नातिक जुमलों को रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। और तीसरी जो टाइप है वो है गैर नातिक, जिन्हें इरेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे नातिक अदात होते हैं, इसी तरह रैशनल नातिक जुमले भी होते हैं, यानी कि रैशनल एक्सप्रेशंस, वो होते हैं जिनको इस फॉर्म में पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें आप। जैसे ये एक एक्सप्रेशन एक्स की फॉर्म में है, एक एक्सप्रेशन है जो एक वेरिएबल एक्स में है, लेकिन ये चूँकि उस ऊपर वाले से डिफरेंट है, इसलिए क्यू करके उसको लिखते हैं, इसको पी करके लिख रहे हैं, लिखते हैं आप, ठीक है। इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये नातिक जुमला। एक और उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई थ्री प्लस वाई थ्री। आप सोचें कि ये नातिक क्यों है? ये नातिक इसलिए है कि आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ को, जैसे एक सही अदद होता है, जैसे 12 है, ये सही अदद है ना, इसलिए नातिक भी है, क्योंकि इसको 12 को आप 12 और 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसी तरह ये लिखा है तो सबके नीचे 1 भी तो लगा सकते हैं ना, ऐसे करके। लहाजा ये नातिक जुमला भी है। लेकिन अगर ये जुमला हो ये, अब बताइए नातिक है कि नहीं है? जवाब है कि ये बिल्कुल नातिक है, लेकिन उन्होंने रेड करके मैंने क्यों लिखा है और उन्होंने बुक में क्यों इसको सेपरेट करके ध्यान से बताया, उसकी वजह ये है कि ये नातिक तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें ये नीचे एक्स आ गया तो एक्स ऊपर लग गया, एक्स एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूर है। तो याद रहे कि हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो है वो काइंड्स डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक पॉलिनोमियल है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है, एक इरेशनल है। तो ये जुमला भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन ये वाला उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, दोनों का समझें कि नातिक और कसीर रकमी का फ़र्क बताने की कोशिश की है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये कसीर रकमी है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए मैंने इसे रेड करके लिखा। अच्छा, अब इधर आ जाएं,
इधर उन्होंने लिख बताया हुआ कि ये वो वाले एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें पी पी ओवर क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, उसे आप गैर नातिक इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स। आपको याद है गैर नातिक अदाद, गैर नातिक अदाद क्या होते हैं, जिन्हें जो नातिक नहीं होते, यानी कि जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो इसी तरह इनको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनको ऐसे लिखते हैं, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, और ये एक एग्जांपल है, और एक ये एग्जांपल ये है। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं है भाई, मुमकिन है एक्स की वैल्यू जो है वो 2 हो, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये तो एक गैर नातिक अदद भी बन गया ना, जो मतलब ये कि आपको याद होगा गैर नातिक अदद की डेफिनेशन से कि अंडर रूट 2 में, खैर अंडर रूट 5 भी शायद होता है, मुझे अब कुछ एग्जैक्टली याद नहीं, वो जाके देखा जा सकता है। तो जो एक्सप्रेशन नातिक ना हो, जिसको पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, वो गैर नातिक होता है। तो ये चीज़ गैर नातिक है क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरह ये है, ये जहाँ पे भी अंडर रूट वगैरह के मसले आते हैं ना, आमतौर पे वो आप पहला आपका शक पड़ना चाहिए कि वो इरेशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी होगी। अब जो अगला वाला टॉपिक है वो है 4.1.3, वो है कसीर रकमी जुमलों की इकसाम, यानी कि काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैं पिछले पेज पे जाना चाहूँगा कि अभी तक आपने क्या किया था, काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किया था, जिसमें एक पॉलिनोमियल थे, एक नातिक थे, एक गैर नातिक थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनकी फॉर्म्स आगे देख रहे हैं कि कौन कौन सी इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं ना, तो इनकी आगे जो है ना मुख्तलिफ तरह की जो इकसाम है ना वो डिस्कस करने लगे हैं। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल की जो इकसाम है ना वो बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले वाली है ना वो टाइप, वो है मतलब कि पहली वाली टाइप हम किस तरह डिफाइन करेंगे वो मैं बताता हूँ। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैं पॉले लिख रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, कि अगर टर्म्स के हिसाब से देखें तो पॉलिनोमियल्स की कौन सी जो है वो इकसाम है, ठीक है। तो मैंने कहा था, जैसे पहले कहा कि कसीर रकमी जुमलों या पॉलिनोमियल्स की जो इकसाम है वो बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह देखते हैं, या यूँ समझें कि डिपेंड करता है कि आपका आपका जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, या यूँ समझें कि डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे उन्हें तकसीम करने लगे हैं, किस बेस पे उसकी फॉर्म्स बताने लगे हैं। तो जो पहली वाली जो बेस या जो कंडीशन है या जिसकी बेस पे वो डिसाइड करेंगे फॉर्म्स की, या समझें कि ग्रुपिंग कह लें, वो है टर्म्स की बेसिस पे, कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। अगर जैसे आपको पता है कि अगर एक टर्म हो ना, वन टर्म, तो इसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। अगर इसके अंदर जैसे कि आपने एक 12 देखा था, अगर टू टर्म्स हों तो ये होगी बाइनोमियल, बाइनोमियल। जैसे है 5x+3, ये 12 हो गए, इसकी एक और एग्जांपल उन्होंने 6y दी हुई है, या 8x कुछ इस तरह। अगर उसके अंदर तीन टर्म्स हों तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे मिसाल के तौर पे x+y+z, सीधी सादी एग्जांपल है। तो अगर आप पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के हिसाब से देख रहे हैं तो उसकी तीन इकसाम आती हैं,
वन बल्कि तीन मुझे नहीं कहना चाहिए, वन टर्म वाली मोनोनोमियल होगी मोनोमियल, दो टर्म वाली को बाइनोमियल कहेंगे, तीन वाली को ये कहेंगे, और इससे ज़्यादा वाली भी हो सकती हैं, उनके नाम आप इंटरनेट पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये तरीका है उनको देखने का, ठीक है। अगेन अब काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स के हिसाब किताब से उनको डिफाइन करेंगे या उनकी इकसाम को डिफाइन करेंगे। अच्छा, आपने देखा था कि पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल भी हो सकता, जैसे कि पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है, सिर्फ एक्स में है, जैसे कि 2x+3, ये अब पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स और वाई वेरिएबल वाली है, मिसाल के तौर पे बुक की एग्जांपल कॉपी कर रहा हूँ, जैसे है ये लिखी हुई है बुक की एग्जांपल x² + y² + 3, ठीक है। अब मुमकिन है कि उसके अंदर तीन वेरिएबल हों, उसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 3x + 4y + 6z, मुमकिन है कि ज़्यादा भी हों। तो अब आपने काइंड ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स देखा, एक वेरिएबल की जैसे एग्जांपल ये है, दो वेरिएबल देखें, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ये तीन वेरिएबल वाली है एक्स वाई और जी वाली, ठीक है। अब एक और तरीका है इनको देखने का, वो है विद रिस्पेक्ट टू काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, मैं पूरा लिख देता हूँ, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, डिग्री होता था ना कि जो आपको याद होगा कि हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है किसी वेरिएबल का वो उसकी डिग्री होती थी, कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट उसकी डिग्री होती थी, याद है ना आपको ये चीज़। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक 5x³y(z)5, अब इस तरह लिखा हो जिसमें ये इकट्ठे हों सारे, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, 4, और इसकी ये 5 है, तो 4, 5, 9 हो गए, तो इसकी जो डिग्री है ना वो 9 है। अगर x² + y हो, इसकी डिग्री 2 है, अगर x6 + x5 + 7 हो, इसकी डिग्री 6 है, ठीक है ना, ये 6, इसमें ये 2, इसमें इन सब को सम करके बताया गया 9, ठीक है। अब उन्होंने बताया हुआ है कि जहाँ डिग्री सेकंड डिग्री हो ना, बल्कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए ताकि याद रहे ज़रा आसानी से, सेकंड डिग्री वाले एक्सप्रेशंस हो ना पॉलिनोमियल, सॉरी, उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। जो थर्ड डिग्री वाले हो ना उन्हें कहते हैं क्यूबिक, जो कि फोर्थ डिग्री वाले हों उन्हें कहते हैं क्वार्टिक, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ डिग्री वाले हों ना उन्हें कहते हैं क्विंटिक, जो सिक्स डिग्री वाले हों ना उन्हें कहते हैं सेक्स्टिक, ठीक है। ये आइए इधर आता है, तो क्वाड्रिक, क्यूबिक, क्वार्ट्रिक, क्विंटिक, सेक्स्टिक। अब और भी जो बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं उनके भी नाम होंगे, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैंने बता दिया, आमतौर पर वैसे यहाँ तक ही होते हैं, 4 तक ही होते हैं, इससे ज़्यादा मैंने बहुत ही कम देखे हैं, लेकिन बहरहाल एनीवे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके नाम ये हैं, ठीक है। और चौथा तरीका जिससे हम पॉलिनोमियल्स की काइंड्स के बारे में बात करते हैं, वो है विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट आपको याद है ना, जैसे 6x² लिखा है, तो ये चीज़ इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे एक एग्जांपल दिया, 4x² + 5x + 8, अब आपने देखना इसको, इसको और इसको है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है ना, कुदरती अदाद, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल
with natural numbers as coefficients. ठीक है, अब मुमकिन है किसी पॉलिनोमियल में, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको बुक की, एग्ज़ाम्पल ये 3 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। अब इस पॉलिनोमियल के जो कॉफिशेंट्स हैं उनमें ये देखें क्या आ गया, एक नातिक अदद आ गया ना, नातिक अदद को रैशनल नंबर्स कहते हैं। नहीं ये तो गैर नातिक है, सॉरी इरेशनल। तो इसे इरेशनल नंबर्स के साथ ये पॉलिनोमियल है, इसको आप वो भी लिख सकते हैं, रियल नंबर भी लिख सकते हैं। अब एक और है 5x + 3/4। अब ये 3/4 ये तो कुदरती अदाद, लेकिन ये 3/4 जो है ना ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर के साथ पॉलिनोमियल है, इसके कॉफिशेंट्स हैं। तो कहने की बात ये है कि आपको ज़्यादा इसके ऊपर सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधी सादी बात है कि पॉलिनोमियल होनी चाहिए और उसके अंदर आप उसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो देख लें। अगर वो सारे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर वाली होगी, अगर वो कोई उसमें इरेशनल नंबर आता है तो आप उसे कह दें कि इरेशनल कॉफिशेंट्स हैं या रियल नंबर वाले कॉफिशेंट्स हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं ना, हर नंबर रियल नंबर होता है। खैर इमेजनरी नंबर हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं। लेकिन एनीवे आप अपनी डिस्कशन को रियल नंबर्स तक रखते हैं तो आप उसे रियल नंबर्स वाले कह दें। ये वाला जो इसके अंदर जो है वो रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि 3/4 आ गया, तो रैशनल नंबर्स के साथ इसके कॉफिशेंट्स हैं। तो बस इतनी सी बात है, जिस तरह के नंबर हो आप उस तरह के बारे में लिख सकते हैं कि ये इसके कॉफिशेंट्स हैं वो ये हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें, डिपेंड करता है कि वो क्या है। लेकिन अगेन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं समराइज़ करता हूँ छोटी सी चीज़ को कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ना, इनकी एक टाइप आपने देखी थी विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कह लें, नंबर ऑफ टर्म्स एक टाइप आपने विद रिस्पेक्ट टू देखी थी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक टाइप आपने इसकी देखी है जनाबे वाला विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, और एक आपने इसकी टाइप देखी है विद रिस्पेक्ट टू कॉफिशेंट्स। तो मैंने ये समराइज़ कर दिया था आपके आगे जहन में, एक पिक्चर रहे कि पॉलिनोमियल्स को की काइंड्स को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, जिसमें आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि मोनोमियल्स होते हैं, बायनोमियल्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स होते हैं। मैं सारा आपको समराइज़ करके दे रहा हूँ। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से हमने कहा था ना कि इसमें जैसे एक्स वेरिएबल में है, एक्स और वाई वेरिएबल में है, एक्स वाई जी वेरिएबल में है। विद रिस्पेक्ट टू डिग्री में हमने कहा था डिग्री 2 हो सकती है, जिसको आप क्वाड्रेटिक कहते हैं। डिग्री 3 हो तो उसको आप क्यूबिक कहते हैं, डिग्री 4 हो तो उसको आप क्वार्टरिक कहते हैं। ठीक है, इतना कॉफिशेंट के हिसाब से हमने कहा कि वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने एक पेज पर समराइज़ कर दिया, लेकिन अगेन ये काइंड्स किसकी, पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल ख़ुद ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, उनकी 3 इकसाम हैं, उनमें से एक इकसाम ये है। ठीक है, एक इकसाम आपको याद होगी कि वो रैशनल एक्सप्रेशंस की थी, और एक इकसाम इरेशनल एक्सप्रेशंस की थी। तो ये एक तरह की मास्टर डायग्राम बन गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की 3 इकसाम है, एक पॉलिनोमियल्स है, एक रैशनल एक्सप्रेशंस है, एक इरेशनल एक्सप्रेशंस है। और पॉलिनोमियल में दोबारा आप उसकी मज़ीद इकसाम देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं। ये हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स के हिसाब से देखी, ये हमने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से देखी, ये विद रिस्पेक्ट टू डिग्री देखी, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कॉफिशेंट देखी। ठीक है,
आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।